सबसे पहले तो मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में पहला पेपरलेस कैबिनेट का इजलास आज हुआ। आज काबीना के इजलास में कोई कागज़ जो है वो नहीं हुआ, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है। पाकिस्तान की तारीख की जो सबसे ज़्यादा कैबिनेट मीटिंग्स हुई हैं वो भी इसी हुकूमत में हुई हैं। अगर आप पिछले 10 सालों में यानी 2008 ऑनवर्ड देखेंगे तो 226 मीटिंग्स जो हैं वो काबीना की हो चुकी हैं। पीपल्स पार्टी ने 67 मीटिंग्स काबीना की थी, और PMLN जो आप कह रही है कि वोट को इज्जत दो और जमहूरियत और ये और वो, कुल उनके दौर में 5/6/2013 से 30/6/2016 तक के 3 सालों में उन्होंने सिर्फ 23 मीटिंग्स की। शाह महमूद कुरैशी साहब की सरबराही में जो फ़लस्तीन के मसले को लेकर के खसूसन जो पाकिस्तान ने एक बहुत ही कायदाना रोल अदा किया, उसमें हमारी फॉरेन सर्विस ने, हमारे फॉरेन ऑफिस ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने, उसके ऊपर वज़ीर आज़म साहब ने उनको जो है वो तहसीन पेश की। हालिया दिनों में मसला कश्मीर के ऊपर जो पेशरफ्त हुई उसके ऊपर भी वज़ीर आज़म ने जो हमारा फॉरेन मिनिस्टर साहब को और उनकी टीम को जो है वो सराहा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ये एक बहुत ही अहम इस्लाहात का हिस्सा है जो PTI की गवर्नमेंट लाना चाहती है। रावलपिंडी जो हाईकोर्ट बार एसोसिएशन है, उसके बाद जो प्रेस क्लब्स के लोग जिनकी मुलाकात हुई, और पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन ने इस बात के ऊपर इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि उनके इंतखाबात जो हैं उनको EVM की सहूलत दी जाए और वो अपने अगले इंतखाबात EVMs के ऊपर करा सकें। तो जो जो प्रेस क्लब्स और बार काउंसल्स अपने इंतखाबात EVMs के ऊपर लेके जाना चाहेंगे, हम उनकी भरपूर उनको जो है वो तावन देंगे। ओवरसीज पाकिस्तानीज के वोट जो है वो PTI का एक बहुत ही अहम हिस्सा है हमारे एजेंडे का, हमारे जो पॉलिटिकल प्लान है उसका, और हम चाहते हैं कि उसको फौरी तौर के ऊपर मेन स्ट्रीम में लाया जाए, उनको फैसिलिटेट किया जाए। 8.5 मिलियन यानी 85 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के पास इस वक्त NICOP कार्ड है, और हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर के ऊपर इकदाम करने चाहिए उन लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। इसके बाद एक और बहुत अहम फैसला, कंटोनमेंट बोर्ड्स में वो जो है वो इंतखाबात कराने का फैसला किया गया है, और उसके लिए वजारत दफा को हदायत की गई है कि वो कंटोनमेंट बोर्ड्स में इंतखाबात का स्केड्यूल जो है, शेड्यूल जो है वो ऐलान करे और तारीख और प्रोग्राम का ऐलान कर दिया जाए। वो चाइनीज सिटीजन्स जो कि CPAC से मुतल्लिका जो जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनमें काम कर रहे हैं उस, और जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स लाना चाह रहे हैं उनके लिए वीज़े का स्पेशल प्रोसीजर जो है वो मंजूर किया गया है, और उसके बाद चाइनीज़ जो शहरी हैं उनके लिए पाकिस्तान में आना मजीद आसान हो जाएगा। CPAC और चीनी शहरियों को 2 साल की मुद्दत के लिए वर्क एंट्री वीज़ा चीन में पाकिस्तान मिशन्स की जानिब से 48 घंटों में जारी किया जाएगा, और सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है वो लाजमन 30 दिनों में कर ली जाएगी।